कौन राज को कर नमन करो महान यह का आत्मज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख सा चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम ही धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को निरंतर यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पाती दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध प्रज्वलित ज्ञान दीपक के तीसरे लक्षण पर रहस्योद्घाटन करने की भावना पाता हूं। Yeah।
हे ज्ञान दीपक, तुम्हारा तीसरा लक्षण है, जो भी प्रज्वलित ज्ञान दीपक होगा वह ज्ञान दीपक का यह लक्षण है। ज्ञान दीपक स्वरूप साथी होगा, ये स्वरूप साथी लक्षण बहुत गहराई से देखे तो ही समझ में आएगा कि इसका भाव क्या है। क्योंकि जैसे हमने तीसरे ज्ञान दीपक के बोधामृत पर चर्चा की कि जीवन साथी के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति को काया मत दिखाना, उन व्यक्तियों के सामने काया का प्रदर्शन मत करना, और ये कहा कि चैतन्य स्वरूप, ये चैतन्य स्वरूप उस स्वरूप का जिसने साथ ऐसा साथ लिया और वह साथ लेने वाली जो पर्याय उपर्याय द्रव्य के संग ऐसी अभेद हुई कि हर पल पर्याय द्रव्य के साथ अभेद होकर के ही रहती है, वो स्थिति ऐसी है। उस समय तो वहां ध्यान भी नहीं चाहता। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हाथ लेकर के बैठा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छू रहा है, और जैसे वह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छूता हो और उस स्थिति में वो आनंद लेता हो, और उसी समय उन दोनों का ऐसा हुआ कि किसी ने उन दोनों को वहां से उठा ही लिया, और उठा करके वहां पर जहां पर थे वहां से उठा करके कहीं और जगह रख लिया और किसी स्थान पर उन्हें रख दिया। उस छूने वाले को पता ही नहीं है उसे कहां रख दिया, उसका ध्यान ही नहीं है कि उसे कहां रख दिया, क्योंकि वो छूने में इतना तन्मय था कि ध्यान ही नहीं गया कि उसे कहां पर रखा गया। प्रकृति की ऐसी ही व्यवस्था है कि जब पर्याय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का स्पर्श करती है, और जब पर्याय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का स्पर्श करती है तब प्रकृति की व्यवस्था ही ऐसी होती है कि प्रकृति ऐसे अभेद स्वरूप में, जो ये जो पर्याय का द्रव्य में अभेद होना, उस अभेद पूरा का पूरा उस द्रव्य को उठा करके यहां से सिद्धशिला के ऊपर विराजमान कर देती है। वो प्रकृति की व्यवस्था की अभी यहां पर है, अभी यहां से यहां, मगर ये जो पर्याय जो इसमें अभेद हुई उसे तो उसकी ओर ध्यान ही नहीं कि मैं मध्य लोक में हूं या सिद्धालय में हूं, उसका ध्यान वहां नहीं, वो यहां पर अभेद। और वो स्वरूप का जिसने साथ किया वो देहातीत ऐसे होता है, ध्यान ही नहीं जाता। वो प्रकृति व्यवस्था सहज ऐसी करती है, प्रकृति का स्वरूप ऐसा ही है, प्रकृति की व्यवस्था ही ऐसी है। फिर आप यहां रह नहीं सकते, बिना काम के लोग यहां रह नहीं सकते, जो कुछ भी नहीं करते वो यहां रह नहीं सकते। क्या करते हो, कुछ पर का फेरफार करने का या फिर कुछ करने का, करने मात्र का विकल्प है तो तुम यहां रह सकते हो, मगर जब स्वरूप में ऐसे अभेद हुए वो तैयारी प्रारंभ हो गई थी और निकट काल में ही तुम यहां से ऐसे निकले और केवल ज्ञान में जानने में आया
कि भले ही तुम देह के साथ अभी यहाँ पर केवल ज्ञान के होने पर भी वो देह के साथ में हो, मगर तुम वहाँ पर नहीं हो। वो दशा कैसी है? क्योंकि दुनिया की समझ में ये दशा बाहर की दृष्टि वाले को समझ में ही नहीं आ सकती, इसलिए ये समझ में नहीं आ सकती क्योंकि उनकी दृष्टि ही वहाँ अंतर तक पहुँच ही नहीं पाती है। जो नारियल का गोला है, उस नारियल का गोले को नारियल के अंदर ही देखने की वो जो दृष्टि है, वो दृष्टि कैसे छूटे, कैसे दिखाई दे? किसी को भी दिखाई दिया तो यही दिखाई दिया कि वो गोला नारियल के अंदर है, मगर कौन देखे कि वो गोला नारियल में होकर भी वो नारियल से अलग है? वो दूर से तुम देखते हो, तुम्हें ऐसा दिखता है कि वो गोला नारियल के अंदर है। तुम बाहर से देखते हो इसलिए गोला नारियल के अंदर है, ऐसा ही दिखता है। ऐसे ही ज्ञानी का आत्मा तुम्हें देह के अंदर दिखता है, मगर अंदर वो नहीं है। वो अंदर इतना न्यारा, इतना 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 अलग हो गया है, वो तुम्हें नहीं दिखता, क्योंकि तुम जहाँ से देखते हो वहाँ से वो बीच का जो गैप, वो जो खाली जगह, वो जो अवकाश, वो दोनों के बीच में वो वज्र की एक दीवार जो खड़ी हो गई, वो दिखाई नहीं देती बाहर की दृष्टि वाले को। इसलिए हे ज्ञान दीपक, किसी साथी की खोज में मत रहना, तुम स्वरूप के साथी हो जाओ, अर्थात पर्याय द्रव्य में अभेद हो। क्योंकि साथ वाली जो वृत्ति है, यह वृत्ति ही पराधीन वृत्ति है, यह वृत्ति ही परतंत्रता को बताती है। तुम अपने उस स्वरूप से इतने डरते हो, इसलिए तो तुम्हें अकेले में डर लगता है। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं है तब तुम्हें डर लगता है। वो डर किसका है? वो स्वरूप का ही तो डर है कि कभी स्वरूप का दर्शन न हो जाए अकेले में। इसलिए तो तुम उपाय खोजते हो कि कोई न कोई मेरे आसपास अगल बगल में कोई रहे कि जिससे मैं उस स्वरूप से बच सकूं, स्वरूप की ओर मेरी नजर न चली जाए। इसलिए मैं सदा साधकों से कहता हूं, सांप का भय इतना नहीं है, शेर का भय इतना नहीं है जितना स्वरूप का भय अज्ञानी को है। क्योंकि वो सांप का भय इतना नहीं है, वो सांप से इतना नहीं डरता जितना स्वरूप से वो भयभीत है। स्वरूप कहीं दिखने में न आ जाए, क्योंकि स्वरूप जैसे ही दिखने में आ गया कि अनादि का जो संसार, वो ताश का महल, वो ऐसे ही गिर गया, स्वरूप दृष्टि में आ गया। इसलिए तो स्वरूप से बचने के ही तो ये उपाय खोजते हैं। इसलिए तो तुम्हारी दृष्टि, वो दृष्टि स्वरूप की ओर जा ही नहीं पाती, इसलिए क्योंकि तुम्हें स्वरूप का डर लगता है। इसलिए अकेलेपन का डर लगता है, इसलिए तो अंधेरे में जब निकलते हो तब भी भगवान 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 राम 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 वो क्यों बोलते हो? क्योंकि अकेलेपन में जो डर लगता है, कोई साथ में है, राम है, वो राम है, वो राम की उपस्थिति वो कहीं ना कहीं है, वो यहीं पर ही है। मैं नाम तो ले रहा हूँ, पुकार रहा हूँ, यदि नहीं होते तो पुकारता क्यों? राम है, मैं अकेला नहीं हूँ, इसलिए थोड़ी तसल्ली मिलती, वरना डर जाता कि मैं अकेला हूँ। क्योंकि अनादि से साथी के बिना रहने की और साथी के बिना जीवन जीने की उसे कोई अनुभूति ही नहीं। और इसलिए जिस जीवन साथी के लिए मैं कहता हूं, उसके रहस्य को आज आप समझे। साथ वाली जो वृत्ति है वो पराधीन वृत्ति है। इसलिए आपने 12 भावना में एक भावना, चौथी भावना सुनी हो, चौथी भावना आपने सुनी हो, एकत्व भावना है। एकत्व भावना का अर्थ थोड़ा अलग ले लिया गया है, मगर उसका भाव बहुत गहरा है। वो एकत्व भावना माने मैं स्वर्ग में गया तो अकेला गया, नरक में गया तो भी अकेला गया, निगोद में था तो भी अकेला था, यहीं पर अभी बैठा हूं तो भी अकेला हूं। सत्य यही है, भले ही पत्नी के साथ आप यहां बैठे हो, मगर ये सत्य कभी
बदल नहीं सकता कि तुम सदा अकेले हो, तुम सदा अकेले हो, यह परम सत्य है। और यह सत्य का तुम्हें बोध अभी नहीं होता, मृत्यु होती है तब यह सत्य का बोध होता है, क्योंकि मृत्यु होती है तब तुम अकेले ही यहां से जाते हो, तब पता चलता है कि कोई मेरे नहीं थे, कोई मेरे साथी संगी नहीं, मैं भूतकाल में कल्पना ही करता था। इसलिए मृत्यु जीवन के सारे भ्रम को छुड़ा देती है और इसलिए ही मृत्यु में पीड़ा पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि सारे जीवन पर जो मान करके रखा, मृत्यु उस पर हथौड़ा मार कर जाती है कि यह बात झूठी थी, इसलिए वो मृत्यु हमें पीड़ा पहुंचाती है। तुम ये क्या एक जशन एटले कहू छू, तुम स्वर्ग में गए, नरक में गए, निगोद में गए, वहां अकेले ही गए, यहां भी अकेले हो, और इतना बाकी रह गया वो भी मैं आपको बता दूं कि मोक्ष में जाओगे तो भी अकेले ही जाओगे, किसी को लेकर के साथ में नहीं जाओगे। और यदि तुम ध्यान में जाओगे तो भी अकेले ही जाओगे, और किसी को लेकर के ध्यान में कैसे जा सकते हो, और कैसे जा सकते हो किसी को लेकर। यह सत्य है, और इसलिए ही स्वयं के अतिरिक्त इस जगत में कुछ भी नहीं पाया जा सकता, यह परम सत्य है। किसी भी पर पदार्थ को पाया नहीं जा सकता, अर्थात उसे अपनाया, उसे अपना बनाया नहीं जा सकता, स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। हे स्वरूप साथी ज्ञान दीपक, मैं तुम्हें कहता हूं, तुम ध्यान से सुनो, तुम स्वरूप साथी, तुम्हें कहा वो निर्विकल्प अनुभूति की बात तुम्हें कहता हूं, क्योंकि साथ के बिना जो जीवन जिया ही नहीं है, साथ के बिना जीवन जीने की आदत ही तुम्हारी नहीं है, तुम सदा साथ चाहते हो, मगर तुम इस बात को भूल जाते हो कि साथ वाली वृत्ति सदा ही पराधीन वृत्ति है, परतंत्रता है, गुलामी है, और जहां गुलामी है वहां सुख किस बात का, वहां तो दुख ही दुख है, इसलिए साथ ही दुख रूप है, कोई साथी चाहिए, कोई साथी चाहिए, वो साथ ही तो दुख रूप, दुख दुख और दुख की ही तो निशानी है, क्योंकि साथ के बिना चलता नहीं। जैसे मैं आपको एक बात कहूं, एक आदमी है कि जिसके पास में ढेर सारा धन है, मगर उस धन का उपयोग कैसे करे, कौन से व्यापार में, बिजनेस में कहां पर उस धन का इन्वेस्टमेंट करे, उसे पता ही नहीं। दूसरा एक आदमी है जिसके पास में ज्ञान सब है कि कहां पर धन को रोका जाए, वो उसको ज्ञान सब है, मगर उसके पास धन नहीं है। दोनों एक दूसरों की खोज कर रहे थे, दोनों की एक दूसरों के साथ मुलाकात हो गई, दोनों ने मिलकर के व्यापार प्रारंभ किया, शिखर पर पहुंचे, मगर शिखर पर पहुंचे तब भी वो दोनों ही दुखी है, क्योंकि परतंत्रता है, पराधीनता है, एक दूसरे पर और दूसरा पहले पर आधीन है, वो गुलामी है, परतंत्रता है, और वो जो परतंत्रता है साथ भ्रम पैदा करता है कि आनंद मिला, मगर वो परतंत्रता ही तो सबसे बड़ा दुख है। इसलिए क्योंकि धन के कारण मैं सुखी हूं, धन मेरा साथी है, धन मेरा साथी है, आना पड़ेगा तुम्हें, वो धन चला जाता है तो मैं दुख होता है, क्योंकि जिसे तुमने साथी माना वो सब चला जाता है, कोई टिककर नहीं रहता। इससे बड़ा और कौन होगा इस पृथ्वी पर जिनको मैंने कहा कि ये मेरे मगर ये भी ये मेरे न रहे, ये भी छोड़ करके चले गए, क्योंकि आज जगत आखु क्षणिक छे। गौतम स्वामी के लिए महावीर भगवान भी अनित्य है। यदि गौतम स्वामी भ्रम में रह जाते हैं कि महावीर भगवान कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, मेरे साथी, जीवन साथी, गौतम स्वामी भी तड़पते, मगर नहीं तड़पे, क्योंकि स्वरूप के साथी हो चुके थे,
ये छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनि थे। और इसलिए ही मैं ज्ञान दीपक तुम्हें कहता हूँ, गुरु का भी साथ मत करना, तुम स्वरूप के साथ ही होना, तुम स्वरूप के साथ ही होना, स्वरूप के साथ ही होना, स्वरूप के साथ ही होना। वहां शरीर को रख दिया, लकड़ियां रख दी, चिता जलने की तैयारी, और वहां चिता जले, मगर तुम स्वरूप का साथ कर, तुम्हारा यहां मोह चले, तुम्हारा मिथ्यात्व चले, तुम आंसू बहा करके गुरु को श्रद्धांजलि मत देना। तुम इस मोह की नदी से पार होकर के श्रद्धांजलि देना। नदी से पार होना, और नदी से पार होने के लिए मैंने तुम्हें स्वरूप साथी की ये उपाधि दी, ये तुम्हारा लक्षण, स्वरूप साथी ज्ञान दीपक। गुलाम मत होना किसी का, किसी की भी गुलामी मत करना। बहुत तड़पना पड़ता है, बहुत तड़पना पड़ता है, क्योंकि किसी भी अनित्य को पकड़ा फिर तुम तड़पे, फिर अनित्य कोई भी हो, फिर वो धन हो, संपत्ति हो, माता पिता हो, पुत्र पुत्री हो, देह हो, या फिर वो सद्गुरु हो, जो भी पराया है उसका साथ तुम्हें तड़पाएगा। इसलिए तुम पास में बैठ लेना, संयोग में रह लेना, सत्संग में रह लेना, मगर साथी मत हो जाना। और सत्संग में बैठना और साथी हो जाने में बहुत बड़ा अंतर है। क्यों, क्या अंतर है, वो मैं आपको उसका सूक्ष्म रहस्य बताऊं। घर से थक चुके, बहुत परेशानी हो रही थी घर से, घर मेरा ये भाव तो न छूटा, मगर घर छूट गया। जंगल में गए, पेड़ के नीचे बैठे ध्यान करने के लिए। लकड़ी काटने वाला 4 दिन बाद आया और कहा कि सब पेड़ को काटो, मगर इस पेड़ को मत काटना। इस पेड़ के नीचे मैंने साधना की, उसका भी साथ हो गया। पहले घर का साथ था, अब पेड़ का साथ हो गया, पेड़ का साथ हो गया। और भी पास में पेड़ है, मगर उस पेड़ का वो साथ ही नहीं है, वह पेड़ एक संयोग मात्र है। संयोग पीड़ा नहीं पहुंचाता, साथ पीड़ा पहुंचा देता है। इसलिए संयोग और साथ में अंतर है। जहां अपनापन स्थापित हो गया, वहां पर साथ हो गया, और सिर्फ होना और होना है वो संयोग है। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि जैसे कोई बेटा अकेला अहमदाबाद से जो मुंबई जाता है, पूरी भीड़ में जाता है, मगर वहां उसका अपना कोई भी नहीं है, तो बाप जब छोड़ने गया तो वो देख करके ही ये कहता है अपनी पत्नी को घर जाकर कि देखो आज मैंने वो देखा दृश्य, मुझसे देखा नहीं गया, क्योंकि बेटा इतनी भीड़ में गया और अकेला गया। भीड़ थी तो अकेला कहाँ था, और अकेला था तो भीड़ कहाँ थी। भीड़ का संयोग था, मगर भीड़ में साथी कोई भी नहीं था। संयोग पीड़ा नहीं पहुंचाता, साथी पीड़ा पहुंचाता है। और इसलिए हे ज्ञान दीपक, किसी भी पर पदार्थ का तुम साथी मत होना, तुम स्वरूप के साथी होना। अर्थात कि पर्याय द्रव्य में अभेद हो, अपनापन स्थापित करे कि ये द्रव्य ही मैं, ऐसा अपनापन स्थापित हो। वो संयोग को ऐसे ही देखना। ट्रेन की यात्रा कर रहा था, यात्रा कर रहा था,
हवा बहुत तेज चल रही थी, तेज हवा चल रही थी। तभी एक 100 रुपये की नोट उड़ती हुई आई। उड़ती हुई नोट आई, इतनी भीड़ थी, उस भीड़ में 100 रुपये की नोट आई और भाग्य से, नसीब से, किस्मत से, उदय से नोट हाथ में ही आ गई। सहज ऐसा योग की नोट सहज हाथ में आ गई। थोड़ी देर खुश हुआ कि नोट आ गई हाथ में, फिर मैंने जेब में वो नोट रखी। नोट वो जेब में रखी कि बहुत खुश हुआ। थोड़ी देर बाद मेरा स्टेशन आया, स्टेशन आया और उतरते समय ही मैंने जेब में देखा कि पाया कि वो नोट कोई निकाल कर ले गया। एक ट्रेन की यात्रा चल रही थी, बीच में ही कोई ऐसा संजोग था, मगर उसमें भी ऐसा अपनापन कि ये मेरी, मगर उतरने से पहले ही वो चली गई थी। ये जीवन की यात्रा भी वो ट्रेन की यात्रा जैसी है। किस्मत से कभी 2 करोड़, 5 करोड़, 25-50 करोड़ तुम्हें मिल जाते हैं। ये यात्रा भी वो ट्रेन की यात्रा से कोई अलग नहीं। और इस देह में से बाहर निकलने से पहले, ये यात्रा पूरी होने से पहले ही कभी संयोग से आया था, वही संयोग का वियोग हो जाता है। और उसमें तुम साथ कि ये मेरा, और वो जो साथ वाली वृत्ति जिसकी है, उसकी हालत क्या होती है वो मैं आपको बताऊं। एकत्व भावना में ये कहा, एकत्व में तुम अकेले हो, तुम एक हो, तुम सदा अकेले हो। अकेले हो उसका अर्थ जो ये लिया गया वो ठीक नहीं है। सच कहूं उसका अर्थ बहुत गहरा है। एकत्व भावना वो एक भावना नहीं है, एक भावना नहीं है, वो एकत्व भावना है। और एकत्व का जो भाव है वो भाव बहुत गहरा है। जब आप कहो कि मैं अकेला हूं, उसको भी एक कहा, अकेला हूं एक, और अनंत गुणों की एकता वाला मैं हूं तो उसको भी एक कहा, एकता वाला। मगर जब एकता वाला कहा तब महिमा आई कि अनंत गुणों की एकता वाला मैं। जैसे मैं आपको कहूं कि मैं देखो एक हूं, ये एक हूं, एक हूं, एक हूं, और जब ये कहा कि ये सब सब और ऐसा ये मैं एक हूं, तो इसमें एकता दिखती है। तो जब मैं ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, श्रद्धा, चारित्र, ऐसे अनंत गुणों की एकता वाला एक, तब उसमें महिमा आती है कि अंदर अनंत गुण का अभेद ऐसा स्वरूप अंदर। और अकेला हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं दिन दुखी हूं कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं। ऐसा नहीं, वो एकत्व का अर्थ है कि मैं परिपूर्ण अनंत गुणों का घनपिंड हूं, मुझे किसी पराए की जरूरत नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, किसी भी पराए की मुझे जरूरत नहीं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं अनंत गुणों की एकता वाला हूं। और जो ये पराधीन वृत्ति है वही तो तुम्हें भविष्य का निर्माण ऐसे कराती है। वो कैसे कराती है वो भी मैं आपको कहूं। जो तुम चाहते हो वही तो तुम्हें मिलता है। तुम देह को चाहते हो, देह को चाह कि ये देह मैं, देह को चाह तो वही, जो देह को अपनापन, देह के प्रति जो अपनापन, वो अपनापन ही नए देह का निर्माण करता है, वही तैयारी करता है नए देह की। वो
वो अपनापन ही नया देह उत्पन्न करता है, और वो अपनापन मिटा कि नया देह भी मिटा, वो बहुत स्वरूप गहरा स्वरूप है। इसलिए जितनी भी साथ वाली वृत्ति है वो पराधीन वृत्ति है। पति कहता है मैं पत्नी के बिना रह नहीं सकता, मुझे साथ चाहिए। पत्नी कहती है मैं पति के बिना रह नहीं सकती, मुझे साथ चाहिए। तुम्हें साथ चाहिए, कितना साथ चाहिए? तुम्हें साथ मिल सकता है? हाँ मिल सकता है। जो तुम साथ चाहते हो तुम्हें साथ मिलेगा। जीवन में तो मिलेगा, मगर मरने में कैसे साथ मिलेगा? साथ में जिए, साथ में खाया, साथ में पिया, अब मरोगे तब? अब मरते वक्त भी तुम्हें साथ चाहिए। बहुत से प्रेमी प्रेमिका ऐसे है साथ में ही मर जाते, उन्हें साथ चाहिए, अकेले नहीं मरेंगे, साथ चाहिए। मगर अब क्या करोगे? और साथ चाहिए? मिल सकता है? मृत्यु में तो साथ मिल गया, जन्म में साथ कैसे मिलेगा? जन्म में भी साथ मिल सकता है। जिनकी भी साथ वाली वृत्ति है कि मुझे साथी कोई चाहिए, कोई साथी चाहिए, अगले भव में वो कुत्ती के पेट से या सुअर के पेट से ऐसा जन्म लेते हैं जहां जन्म लेते समय उसे 8-8, 10-10 बच्चे का साथ मिलता है, क्योंकि साथ चाहिए, मुझे साथ चाहिए, मुझे कोई ना कोई साथ में चाहिए, मुझे अकेलापन अच्छा नहीं लगता। उसका ही ये परिणाम है कि अगले भव में वो 8-8 जन्म के समय ही, जन्म से ही उसे साथी मिल जाते हैं। और साथ चाहिए, इतने साथ से मुझे नहीं चाहिए चलेगा, तब वो सांप के अंडे के रूप में वहाँ पर पैदा होते हैं एक साथ में, ऐसे छोटे 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 छोटे, देखो ढेर सारे अनेकानेक ऐसे अंडे पड़े रहते हैं। वो सांप नागिन के शरीर से जन्म लेते हैं। और यदि साथ चाहिए कि मुझे साथ के बिना नहीं रह जाता, नहीं रह जाता, अगले वो निगोद में जाता है और अनंत जीव एक साथ में जन्म लेते हैं, मरते हैं उसी शरीर में, एक ही शरीर रहता है, और अनंत जीव जन्मे अनंत जीव मरे, अनंत जीव जन्मे अनंत जीव मरे, अनंत जीवों का तुम्हें साथ मिल गया। वो जो तुम्हारी साथ वाली वृत्ति है वो वृत्ति ही तुम्हें निगोद की यात्रा की ओर लेकर जाती है। और इसलिए जब तुम्हें एक क्षण की ऐसी निर्विकल्प अनुभूति हुई कि मुझे अब कोई साथ की जरूरत नहीं, इसलिए क्योंकि मैंने ये देख लिया कि गिलास कितना पूरी तरह से भरा है, तब दूसरा पानी मैंने उस गिलास में डालने का प्रयास ही नहीं किया, विचार भी नहीं आया, जगह ही कहाँ है, पूरा भरा है। जब तुमने परिपूर्ण अपना स्वरूप जाना तब तुमने किसी साथी की खोज करना ही छोड़ दिया, साथी की गुलामी ही छोड़ दी। इसलिए हे ज्ञान दीपक तुम स्वरूप साथी होना, तुम स्वरूप साथी होना, गहरा स्वरूप है। किसी पर पदार्थ के साथ की तुम्हें जरूरत नहीं। जब तुम स्वरूप साथी हो, तुम्हारा जोर, तुम्हारी दृष्टि का जोर जो है वो पर पदार्थ से ऐसे हटेगा, मिटेगा, छूटेगा। ऐसी दशा प्रकट होगी, अरूपी रूपी हो जाएगा, रूपी अरूपी हो जाएगा। जितना भी रूपी, जितना भी आंखों से दिखता है, जो भी अभी आंखों से दिखता है, जिसने आत्मा को जाना, आंखों से जो दिखता है वो दिखता है, वो दिखता है, वो दिखता, वो बंद ही हो गया। जो भी आंखों से दिखता है वो दिखता बंद हो गया, और जो आंखों से नहीं दिखता वही अब दिखने लगा। जहां देखे वहां वही का वही दिखता है, और कुछ भी नहीं दिखता। और वो जो स्वरूप है वो उसे कहते हैं, वो कहे है ना, यानी के भाई पछी आपको नवा लोक नवासी थे, क्यों पछी अहियाँ बैठो छे, खाली थोड़ी फॉर्मालिटी माटे, औपचारिकता माटे, खाली थोड़ूक एवी रीते बेसवा माटे अहियाँ बेसी लीधु छे। आम एम એમ કહીને આમ જાણે જવા માટે જ નીકળ્યો છે, પણ આ લાલ સિગ્નલ આવી ગયું છે, ટ્રાફિકનું સિગ્નલ આવ્યું છે, એવી રીતે અહીંયા અટકીને બેઠો છે,
એવી રીતે અહીંયા અટકીને બેઠો છે, રાહ જોવે છે ક્યારે ગ્રીન સિગ્નલ આવે અને આગળ યાત્રા કરું. ક્યારે ગ્રીન સિગ્નલ આવે અને આ રાખની દિવાલ વિખરાઈ જાય અને હું આગળ યાત્રા કરું. અત્યારે આ લાલ સિગ્નલ ઉપર અત્યારે હું અહીંયા અટકેલો છું. આ સહારાના રણમાં પગ ફસાઈ ગયો છે. કાઢવાનો પ્રયાસ કરું છું કે આ સહારાના રણમાંથી પગ નીકળે બહાર થોડો હજુ, અને હું યાત્રા આગળ તરફ કરું. અનંત સિદ્ધો રાહ જોઈને બેઠા છે. એવી રીતે એને કંઈ પડી નથી સિદ્ધોને, પણ એને દેખાઈ ગયા છે. કારણ કે કિનારો જ્યારે નજીક આવે ને ત્યારે કિનારા ઉપર રહેલા બધા જ દેખાઈ જાય. સીતા યહાં નજદીક આયે, આપ અપને અપને ઘર મેં થે, અબ મેરે સામને ઇતને નજદીક આયે તો સબ દિખોગે મુજે, કેસે નહીં દિખોગે, ક્યોંકિ નજદીક હો. જબ સિદ્ધ પદ કે નિકટ તુમ પહોંચતે હો તો અનંત સિદ્ધો કે દર્શન ક્યો નહીં હોંગે. વો દર્શન હોતે, દર્શન હી નહીં હોતે, વે અનંત સિદ્ધ શ્રદ્ધા મેં સ્થાપિત હો જાતે. યહાં પર ટંકોત્કીર્ણ હો જાતે. હે જ્ઞાન દીપક, એને કહી દેજે, હે જ્ઞાન દીપક, મેં તુમસે એક બાત કહું, તુમ સ્વરૂપ સાથી હો ના, આજ જો તુમે બુધ અમૃત મેં જો અમૃત મેને પરોસા હૈ, ઉસ અમૃત કા ભાવ ભી યહી થા. જીવન સાથી કે અતિરિક્ત કિસી કો ભી તુમ કાયા મત દિખાના, શરીર મત દિખાના, काया का प्रदर्शन मत करना. काया का प्रदर्शन, और कौन तुम्हारा साथी, जीवन साथी कौन है? यही तो जीवन साथी, यही जीवन साथी. कुछ भी साथ में लेकर के मत जाना, कुछ भी साथ में लेकर के गए कि अंदर जा ही नहीं पाओगे. छोड़ो सब बाहर. मुझे घटना विस्मरण में आ रही, एक व्यक्ति ठाकुर जी के दर्शन करने को जा रहा था. अपने साथ में ढेर सारी भेंट सौगाते लेकर के जाता था. द्वारपाल ने दरवाजे पर ही रोक दिया कि कहां जा रहे हो? ठाकुर जी के दर्शन के लिए. ठाकुर जी तुम्हें दर्शन नहीं देंगे. क्यों नहीं देंगे? ये क्या लेकर तुम जा रहे हो? बोले ये सब भेंट है, सौगात है, ये लेकर के ठाकुर जी के पास जा रहे हो. द्वारपाल ने कहा ठाकुर जी को ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये लेकर के तुम जाते हो, ये लेकर के तुम जाते हो, ठाकुर जी तुम्हें दर्शन नहीं देंगे, ये सब तुम्हें यहीं छोड़ करके जाना होगा, तब तुम्हें वो ठाकुर जी दर्शन देंगे. फिर भी अपनी छोटी सी जेब में एक छोटी सी अंगूठी लेकर के वो जा रहा था. फिर वो द्वारपाल ने रोका और पूछा कि और क्या लेकर तुम जा रहे हो? बोले अब तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. द्वारपाल ने कहा कुछ दिख रहा है? बोले एक छोटी सी अंगूठी. बोले नहीं, ये भी तुम यहीं छोड़कर जाओ, वरना तुम्हें ठाकुर जी दर्शन नहीं देंगे. वो अंगूठी भी वहां पर छुड़ा दी. और आगे ये आदमी गया कि द्वारपाल ने रोका, रुको कहां जा रहे हो? बोले अब क्या, अब सब कुछ तो छोड़ दिया, अब तो कुछ भी नहीं, अब तो मैं ही हूं, जा रहा हूं, अब क्यों रोकते हो? द्वारपाल ने यही कहा कि अब तो मैं ही हूं, मैं ही हूं. उस भाव को भी तुम यही उतार दो, उस भाव के साथ में भी वो ठाकुर जी तुम्हें दर्शन नहीं देंगे. अब तो मैं ही हूं. तुम किसी भी साथी को लेकर के तुम भगवान आत्मा के दर्शन करने जाओ, वो तुम्हें दर्शन नहीं देगा. और वो अहम वाला भाव, जब वो पर्याय जाती है त्रिकाली का दर्शन करने, और पर्याय कहे कि अब तो मैं ही हूं,
तब तक वो पर्याय द्रव्य के दर्शन नहीं कर पाती। पर्याय मिटी कि मैं नहीं, द्रव्य ही है वही मैं पर्याय नहीं। पर्याय का पर्याय से जोर मिट गया कि वो दर्शन हुआ द्रव्य का। ये परमात्मा ऐसे दर्शन नहीं देता। तुम व्यवहार में व्यवहार की भूमिका निभानी, काया का प्रदर्शन मत करना। काया का प्रदर्शन मत करना पराये पुरुष के सामने, पराये पुरुष के सामने प्रदर्शन मत करना। मगर जितने प्रदर्शन है वो पराये पुरुष के लिए तो है। जितनी भी स्त्री तैयार होती है वो तैयार किसके लिए होती है? अब खुद देखो, पति ने तो उसे जैसे देखना था वो देख लिया है, मगर दुनिया के सामने अभी और ढंग से उसे दिखाने का जो रस है कि थोड़ी सज थज करके 2-4-6 घंटे दर्पण के सामने वो तैयार होकर के जो निकलती है, वो किसको दिखाना चाहती है? बस उसको मैं कहता हूँ, किसी पराये पुरुष के सामने काया का प्रदर्शन मत करना। उसको मैं कहता हूँ कि जो तुम ये तैयार होकर के, उसको मैं कहता हूं कि कोई मुझे देखे। तुम चाहती हो यदि कोई रास्ते पर तुम्हें टक्कर लगाता है, भीड़ में कोई टक्कर लगाता है तुम्हें बुरा लगता है, और टक्कर नहीं लगाता तब भी तुम्हें बुरा लगता है कि क्या मैं इतनी भी बदसूरत लगती हूं कि कोई मुझे देखता ही नहीं। तुम्हारा जो रस यदि उस पर है तो उस भाव को तुम छोड़ना, वो जो रस को छोड़ना। मैं ये बात उनके लिए कहता हूं कि इस चमड़े में जो अटक करके बैठे हैं ज्ञान दीपक, तुमने जब से चमड़ा देखना छोड़ दिया तब से दिखाना भी छोड़ दिया। वो दिखाने की रुचि भी मिटी और देखने की रुचि भी मिटी, क्योंकि सम्यक दर्शन जब होता है तब दोनों रुचि एक साथ में मिटती है। ऐसा नहीं होता कि देखने की रुचि आज मिटे और दिखाने की बाद में, क्योंकि चमड़े के भी निचावी था। इसलिए मैं ज्ञान दीपक को आज ही कह रहा था, इस ज्ञान दीपक को मैं कह रहा था, ऐसी स्थिति उस स्थिति को तुम ऐसे ही देखना। मुंबई की मैं वो घटना बता रहा था, मुंबई में कुछ साल पहले मैंने अपनी नजरों के सामने ये दृश्य देखा था। वो मुझे स्मरण में आज दोपहर में आया था। मैं आपको भी कहता हूं, जवेरी बाजार से मैं जा रहा था मस्जिद बंदर स्टेशन की ओर। ट्रेन में यात्रा करने जाता था, कहीं मुझे जाना था उपनगर में, सबब की ओर मैं जा रहा था। बकरी ईद का दिन था और ढेर सारी बकरी रास्ते पर बंधी थी। मोहम्मद अली रोड से पार होकर के जाता था, वहां पर घर घर के आगे बकरी बंधी थी। सुबह में निकला सब बकरी बंधी हुई थी, और जब मैं शाम को वापस लौटा स्टेशन से तब मैंने एक जगह ऐसा देखा कि एक चमड़ा बकरी का, उसके ऊपर दूसरा चमड़ा, उसके ऊपर तीसरा चमड़ा, उसके ऊपर चौथा चमड़ा, और ऐसा एक ढेर लगा था चमड़े का। और बकरी कोई भी मुझे नहीं दिखाई दी और चमड़े का ढेर मैंने देखा। सुबह बकरियों को सबको देख करके गया था और शाम को मैंने चमड़े के ढेर को देखा। मगर उस चमड़े के ढेर को जैसे तुम देखते हो कि एक बकरी का चमड़ा मैंने जब देखा और उसके ऊपर ही दूसरा चमड़ा देखा और दूसरा चमड़ा देखा, चमड़े के ऊपर जब तुम चमड़ा देखते हो तुम्हें कोई रुचि नहीं होती उसमें, तुम तुरंत ही नजर घुमा लेते हो, उसमें देखने जैसा कुछ भी नहीं।
उसमें आनंद मनाने जैसा कुछ भी नहीं, ये चमड़ा और चमड़ा। जब पति पत्नी को छुए, पत्नी पति को छुए, चमड़ा जब चमड़े को छुए, तब ये जागृति, वो उस दृश्य को ही नजर में लेना कि एक बकरी का चमड़ा और चमड़े पर चमड़ा और चमड़े, उसमें आनंद मनाने जैसा कुछ भी नहीं। नजर तुम्हारी हट जाती है, तुम तुरंत ही विरक्त हो जाते हो, और विरक्त हो जाते हो क्योंकि तुम देखते हो कि वहां पर चमड़ा। तब तुम ऐसा देखते हो, उस दृष्टि को मैं कहता हूं, हे ज्ञान दीपक, चमड़े के प्रदर्शन मत करना। इसलिए मैं कहता हूं, चमड़े का प्रदर्शन करने जैसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुम उतने ही अधिक जिम्मेदार हो, इसलिए क्योंकि दूसरे को यदि विकार की उत्पत्ति होती है, तुमने ठीक तरह से कपड़े पहने थे या नहीं पहने, तुम ठीक तरह से चल रही थी या नहीं चल रही थी, ताली एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए तुम भी सावधान रहना, सावचेत रहना कि कपड़े ठीक तरह से तो पहने। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों को कहता हूं, यहां पर जो बच्चे उनको भी कहता हूं, थिंक ग्लोबली एक लोकली। आपका जो विचार है वो वैश्विक कक्षा का हो, और आपका जो वर्तन है, जहां पर आप रहते हो वहां पर, जहां रहते हो वहां पर। इसलिए हाँ, तुम अमेरिका में रहते हो, जहाँ तुम रहते हो तुमने टी शर्ट पहन लिया, तुमने जीन्स पहन लिया, मगर यहाँ पर ज्ञान दीपक, ये जो महिला साधना करेगी, कोई टी शर्ट पहन करके यहाँ नहीं बैठेगी, पूरी तरह से शरीर ढंका होगा, दुपट्टा पहन करके, ओढ़ करके, पूरी तरह से शरीर को ढक करके यहाँ बैठेंगी। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ने आते, मैं उनको भी कहता हूँ, उनको भी कहता हूँ, भले ही तुम आत्मा हो, मगर कहीं पर भी तुम काया का प्रदर्शन मत करना, काया का प्रदर्शन मत करना। बस तुम अपनी ओर से बिल्कुल तुम्हारा सदाचारमय ऐसा जीवन जीना। हे ज्ञान दीपक, जीवन साथी के अतिरिक्त और किसी के सामने काया का प्रदर्शन मत करना। और भी मैंने आपको कहा, बहुत कुछ कहा, तुम्हारा आज से वो लक्षण, प्रति समय तुम्हें जागृति रहे कि स्वरूप साथी, ये ज्ञान दीपक का लक्षण है। देह के स्वरूप दुनिया को दिखाना, दिखाने जैसा अब कुछ भी नहीं रहा। एक स्थिति ऐसी आई, एक फकीर हुआ, फकीर हमेशा कहता था वो कपड़े नहीं पहनता था, मगर वो हर पल ऐसा एहसास करता था, उसको ऐसा एहसास होता था, वो कहता था कि मैं कपड़े नहीं पहनता, क्योंकि जो चेहरा है, इस चेहरे को जिस तरह से मैं देखता हूं, उसी तरह से मैंने बाकी के अंगों को भी देखना प्रारंभ कर दिया है। इसलिए चेहरा और बाकी के अंगों में मुझे अब भेद ही नहीं दिखता है, और जब मैं चेहरे को नहीं ढकने का भाव आता है, तो बाकी के अंगों को ढकने का भाव क्यों आए। मगर मैं उस स्थिति में पहुंच चुका हूं, उस स्थिति में, उस दशा को मैं पा चुका हूं, इसलिए मुझे कोई। मगर जब तक तुम यहां पर इन भोगियों के बीच, विकृत चित्त वालों के बीच में जब तक तुम रहते हो, तुम्हारा आचरण ऐसा हो। इसलिए तो पहले के जमाने में ये घूंघट निकालती थी महिला। ये घूंघट क्यों निकालती थी? घूंघट इसलिए नहीं निकालती थी कि उसको कोई पुरुष को नहीं देखना था, उसको पुरुष को नहीं देखना था, ऐसा नहीं, पुरुष को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी, पुरुष को चेहरा दिखाना नहीं चाहती, खुद तो देखती है घूंघट में से, उसको सब दिखता है, ये ससुर आया, ये जेठ आया, ये सब दिखता है,
मगर वो ससुर को मेरा चेहरा न दिख जाए, क्योंकि ये ससुर भी खतरनाक हो सकता है, मेरे मेरे चेहरे को देख करके खराब भाव से आ सकता है। और ऐसा विकृत चित्त वाले लोग हुए थे, तभी तो ये करना पड़ा, वरना ये क्यों करना पड़ता? ये किन के लिए किया था? ये घूंघट क्यों निकालना पड़ा था? क्योंकि चित्त में विकृति है, तब खुद ही संभल जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। खुद तो सबको देखती रहती है, घूंघट के पीछे कौन आया, कौन गया, कौन बैठा, सबके रूप को देखती है, सिर्फ दिखाती नहीं है दूसरे का, खुद का रूप दूसरे को, दूसरों का रूप तो दिखता है। और पुरुष का कोई किसी का रूप ऐसा है नहीं कि उसको घूंघट निकालना पड़े, उसको तो कोई वैसे भी देखता नहीं था। जब तक तुम ऐसे लोगों के बीच में रहते हो, संभल जाना, संभल जाना, तुम्हारा जीवन ऐसा हो। ज्ञान दीपक तुम स्वरूप साथी हो ना, इस देह में कुछ भी नहीं है, इस देह के साथ में इतने चिपक करके मत बैठना। इस देह को सजाने में, दिखाने में पूरे दिन भर अपना समय, शक्ति और परिणाम मत बिगाड़ना। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही देखा, मेरे कमरे में एक मक्खी आ गई थी और एक मक्खा आया था। एक मक्खी आई, एक मक्खा आया, एक माखी ने एक माखो। तो कोई मैंने पूछू, मैंने कीधू कि आ माखी ने माखा ने बे ने रूम माथी बाहर काढ़ो चलो। तो किसी ने मुझे पूछा कि कैसे पता चला कि कौन की मक्खी है और ये मक्खा है? तो मैंने बता दिया कि ये दर्पण में जो है ना, दर्पण पर वो मक्खी है और दूर है वो मक्खा है। माखी हो स्त्री हो, ये दर्पण निशा में चोटेली हुई, घड़िए घड़िए दर्पण ने जोवे, हूँ केवी देखाओ छू, केवी देखाओ छू, केवी देखाओ छू, એટલે માખી જ છે, પાકી ખબર પડી ગઈ। दर्पण को थोड़े दिन के लिए छुट्टी पर भेज सको तो भी अच्छा है। कभी कभी ऐसा लगे जब वन में जंगल में साधना करने, और तुम भी जब यहां पर आध्यात्मिक साधना केंद्र के इस प्रवचन हॉल में साधना करने बैठो और इतने तल्लीन हो जाओ कि एक बार जब बहुत दिन के बाद में दर्पण को देखना पड़े और देखो तब पता चले ये किसका चेहरा, ये कौन है, इतना ये शरीर से तुम ऐसे अनजान हो जाओ कि बहुत दिन से देखा नहीं था, ये अनजान आदमी को जैसे मैं देख रहा हूँ, जिसको मैंने देखा ही नहीं है, कोई आया है सामने अनजान। आप समझ, परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर एकाग्रता पूर्वक सुना, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार।